नमस्कार, मैं धनराज सर, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि MP की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले हम MP का परिचय और MP की सारी जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास है आपकी, MP से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो MP पुलिस का हो, जेल पेली का हो, वन रक्षक का हो, या MPBSC का हो, या और भी जो अदर्स एग्जाम होते हैं, उसमें MP से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस चैप्टर से जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मेंस के लिए भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं या किस तरीके से हम उसको लिखें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि MP का अपना एक अलग महत्व है। भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश अपने ऐतिहासिक संघर्ष, अकूत प्राकृतिक संपदा, बेजोड़ संस्कृति के साथ अपने वैभव और गौरव में निरंतर वृद्धि कर रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना है भाई। जैसे आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य कांग रहा है। यह क्षेत्र और सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म के आलोक से प्रकाशित होने वाला MP 1 नवंबर 1956 से जो है वो अस्तित्व में आया। इसके बाद ये भी हम लिख सकते हैं कि भाई 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने से थोड़ा सा जो है हमारे क्षेत्रफल में अंतर आया, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब MP जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, और इसकी एक जो है भौगोलिक दशा भी है। जैसे मैं कहूँ कि भाई इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हमको पता है कि 21°6 से 26°30 उत्तरी अक्षांश और 74°9 से 82°47 पूर्वी देशांतर, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि उत्तर से लेके इसकी दक्षिण की लंबाई या पूर्व से लेके पश्चिम की इसकी लंबाई क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व से लेके पश्चिम की इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है, 870 किलोमीटर के लगभग है, और उत्तर से लेके जो दक्षिण की लंबाई है इसकी 605 किलोमीटर है। पहले जो पुरानी किताबें थी उसमें हमारे MP का जो क्षेत्रफल है वो 308-245 किलोमीटर जो है वो लिखा होता था, लेकिन अब 308-252 वर्ग किलोमीटर को जो है वो सही माना गया है। कारण उसका यह है कि अमरकंटक में जो किरार घाटी है उसकी उबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण उसका सही तरीके से जो है ना पैमाना नहीं हो पाता। इसलिए जब भी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप हमेशा याद रखें 308-252 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा कि MP जो है, MP को पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य जो है वो कहा जाता है। पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य का मतलब क्या होता है? पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य, लैंड लॉक्ड। पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य का मतलब होता है कि कोई ऐसी सीमा जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हो, ऐसी सीमा जो न तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी हो और ना ही कोई समुद्री सीमा से लगी हो, ऐसे क्षेत्र को हम पूर्णतः भू अवेष्टित राज्य जो है वो या भू अवेष्टित क्षेत्र जो है वो कहते हैं। भाई MP भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। कहीं से भी निहारे इस प्रदेश में प्रकृति और संस्कृति का संगम है। प्रकृति के आशीर्वाद से प्रदेश देश का सर्वाधिक पर्यावरण संतुलन और पर्यटकों को आकर्षित करने वाला जो है वो राज्य है। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को भी जो है बढ़ावा देती है। जैसे हमारे यहाँ पर पचमढ़ी है जो एकमात्र हिल स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारी नदियां हैं, और सबसे ज्यादा नदियां होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ से हमारे स्टेट के बीचों बीच से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि MP से कितने जिलों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर मतलब MP में हमारे स्टेट में इसको हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि भारत के मध्य में होने के कारण इसको हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। सेकेंड, हम इसको लघु भारत भी कहते हैं, हम इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहां पर और भी दूसरी चीजें हैं, खनिज संपदा, पर्वत, झरने और
पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर जो हमारे साहित्य की दृष्टि से, कला की दृष्टि से भी एमपी का जो है नाम पूरे भारत में अव्वल स्थान में है और सारी चीजों के दृष्टि से जो है वो समृद्ध राज्य है। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे एमपी का जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्टिव जो चीजें हैं वो आपको बताई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कोस कोस पर पानी और वाणी जो है वो बदल जाती है। तो इस सारी चीजों को चरितार्थ करने वाला हमारा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, आप हमारी क्लास में बने रहे और उसके कंटिन्यू जो है वो आप